हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेडमी लेंस। तो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे कि अदर फंक्शंस क्या होते हैं बेसिकली हमारे हाई कोर्ट के। क्यों? क्योंकि हम लोग हाई कोर्ट पढ़ रहे थे, तो उसी के आज हम लोग कुछ फंक्शंस देखेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में बच्चों, मैंने आपको काफ़ी सारे जो फंक्शंस थे और पावर्स थे वो करा चुकी थी मैं आपको, ठीक है। तो आज क्या है कि उनके अलावा भी कुछ और भी फंक्शंस होते हैं भाई, बहुत सारे काम होते हैं। कुछ तो बेसिकली जो कहते हैं रूटीन वाले वर्क होते हैं वो होते हैं, पर उसके अलावा भी कुछ फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो हाई कोर्ट के आज हम लोग देखेंगे वन बाय वन करके कि क्या फंक्शंस होते हैं, उसके अंदर कौन से पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो बच्चों, यहाँ देखिए, हाई कोर्ट्स पावर ऑफ अ सुप्रिटेंडेंस, इसका मतलब बेसिकली भाई क्या है कि जो हाई कोर्ट है उसके पास कुछ देख रेख की भी तो पावर होती है, देखती कि नहीं, ऑब्जर्व करने की पावर होती कि नहीं, कहते हैं नहीं, केयर करने की पावर, टेक केयर करती है। ऐसे समझ लो ना कि जैसे कि तुमको कह दिया गया भाई, ये तुमको ना समझ लो, एक ऐसे चौकीदार को समझ लो, उसको अपॉइंट किया गया ना, वो देख रेख करता है कि भाई कोई अननोन पर्सन ना आए, है ना, या कुत्ता वगैरह ना घुस जाए फ्लैट वगैरह में, तो ये से आपको पता ना इस तरीके से सोसाइटी में ना एंटर कर जाए गैया वगैरह ना है, तो ये सब देखते हैं कि नहीं। तो उसी तरीके से क्या होता है, एक तरह से टेक केयर मतलब क्या है कि हाई कोर्ट भी देखता है कुछ चीज़ों को, है ना, कि ये काम सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो उस पर अपनी एडवाइस देता है या उसका अपॉइंटमेंट के लिए क्या करता है कि फिर वही सारे डिसीजन लेने लगता है। तो इस तरीके से कई सारे पॉइंट्स हैं बच्चों। अब हम लोग को देखेंगे कि वो किसकी देख रेख करता है बेसिकली। तो बच्चों, यहाँ पर क्या दिए, वो ऑल कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स, जितनी भी ट्रिब्यूनल्स होती हैं और जितने भी हमारे कोर्ट्स होते हैं, लोअर कोर्ट्स यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, हाई कोर्ट के नीचे जितने भी कोर्ट्स आएंगे उन सबको हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, यानी कि वो कौन सी कोर्ट्स होती हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कह सकते हैं, ठीक है बच्चों, ये आप लोगों को क्लियर हो गया। तो इन्हीं कोर्ट्स की देख रेख करता है। देख रेख क्या मतलब, कैसे अपॉइंटमेंट हो रहा है, ये कैसे अपना काम कर रहे हैं, सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, किस पर्सन को डिस्ट्रिक्ट जज बनाना है, किसको नहीं बनाना है। तो हाई कोर्ट क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, देखता है कि हाँ भाई ये सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे होते तो एडवाइस करता है वो, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों की। अब चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं कि पॉइंट्स क्या हमारे। देखिए, कॉल फॉर रिटर्न्स फ्रॉम सच कोर्ट्स। अब क्या है कि जैसे कि कोई भी चीज़ पहुंच गई तो उसके लिए रिटर्न के लिए भी कॉल कर सकता है हमारा हाई कोर्ट कि नहीं भाई ये चीज़ हमको ये केस रिटर्न कर जाओ, है ना, ठीक है तुमने डिसीजन ले लिया या मनी वगैरह मैटर है, वट एवर द मैटर्स, तो क्या कहता है रिटर्न कर सकता है, ठीक है। तो उसके लिए बुला सकता है कि नहीं ये चीज़ हमें रिटर्न कर जाओ, ये फाइल हमें दे जाओ, आके कुछ भी इसमें आ सकता है बच्चों, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई कि मतलब किससे कर सकता है, ट्रिब्यूनल से कर सकता है, और किससे, ऑल कोर्ट से। हाई कोर्ट हमारा कह सकता है कि भाई हमको ये चीज़ वापस से दे जाओ आके, या हमको दे जाओ, बुला सकता है उनको, ठीक है ना। ये चीज़ आपको समझ में आ गई है, किसी पर्सन का कोई केस चल रहा हो तो कहेंगे नहीं उसको वहाँ पे भेज दो, उसकी ज़रूरत पड़ रही है केस में, ठीक है ना। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होगी, कोई डाउट्स हो तो पूछ लीजिएगा। अब लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारे क्या बच्चों, मेक रूल्स फॉर प्रोसीडिंग्स, यानी कि जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही है, जो भी प्रोसीजर चल रही है, उसके जो जनरल रूल्स होते हैं कि कैसे वर्क होगा, कैसे प्रोसीडिंग चलेगी, वहाँ पे किस तरीके से रूल्स बनना है, ऑफिसर्स प्रोसीडिंग्स को कैसे चलाएंगे, ये सारी की सारी चीज़ों पर क्या करता है कि हमारा हाई कोर्ट देख रेख करता है, देखता है कि भाई सही कर रहे हैं नहीं कर रहे, ऑब्जर्व करता है, एक तरह से ऑब्जर्व कर रहा है भाई, देख रहा हाँ सही कर रहा, हाँ ये सही कर रहा, हाँ ये सही कर रहा, नहीं कर रहा भाई, तो उसे इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, नहीं तो क्या करते हैं सिर्फ देखते हैं कि हाँ ठीक है, फिर उस पर एडवाइस कर देते हैं, हाँ भाई ये सही काम करो तुम। क्योंकि क्या होता है, हाई कोर्ट है, उसके नीचे होते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, तो उन पे तो पूरा हक होता है कि नहीं होता है, बस ये चीज़ समझ में आ गई। तो भाई जैसे कि पेरेंट्स हैं तो बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, तो पेरेंट्स तो देख रेख करेंगे ना कि फ़ोन चला रहे, पढ़ रहे हैं कि भाई टिकटॉक देख रहे हैं, और जो करेंगे अब देखेंगे भाई टिकटॉक देख रहा तो चिल्लाएंगे उनको, कहेंगे फ़ोन वापस रिटर्न कर जाओ हमको, या तो फिर क्या कहेंगे पढ़ो कायदे से, है ना, ज़्यादा टिकटॉक ना देखो,
ये चीज़ समझ में आ गई कि नहीं आ गई, तो मतलब ये भी कह सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको रियल लाइफ से कनेक्ट करना है तो चीज़ें पता दिमाग फिट हो जाएंगी एकदम से, है ना। एग्जाम टाइम में बस याद आ गया, अरे मैम ने तो वो बताया था, हाँ याद आ गया, चलो लिख देते हैं। जरूरी नहीं बच्चों कि आप बुक की लैंग्वेज लिख के आओ, अपनी लैंग्वेज में लिख के आओ आंसर को, बस सही लिख के आओ। ये चीज़ होता है, आप जो कहना चाह रहे हो वो एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए, ऐसे क्लियर लैंग्वेज में लिख के आओ, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप बहुत सारी वोकैबुलरी यूज करके लिख के आओ अपना आंसर, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखते हैं, क्या मैनेजेस बुक्स एंट्रीज एंड अकाउंट्स। ये क्या होता है, इस तरीके से क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस। बेसिकली बुक्स को कैसे रखना है, बुक्स कौन सी, भाई लॉ वाली जो बुक्स वगैरह होती हैं वो अब कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या सबऑर्डिनेट कोर्ट, वहाँ पे बहुत सारी बुक्स हैं, जजेस को रेफरेंस चाहिए तो बुक्स मंगाता है, है ना। फाइल्स हो गई, एंट्रीज हो गई कि कौन से केस पहले सुनने हैं, कौन सा कब है, क्या टाइमिंग, वो सारी एंट्रीज रजिस्टर में होती कि नहीं होती रजिस्टर वगैरह में, तो वो सारे एंट्रीज को कैसे मैनेज करना है। अकाउंट्स वगैरह का कैसे मैनेज करना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का अकाउंट्स वगैरह जो पनिशमेंट देता है, तो पनिशमेंट में नहीं कोर्ट को पैसा मिलता है, फिर हम लोग कोई भी केसेस फाइल करने जाते तो उसके लिए हम लोग पैसे देते हैं, कागज बनवाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें धमीले होते हैं उसमें, है ना, बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस होता है। तो उसमें बच्चों क्या होता है कि बेसिकली ये मैनेज ऑफिसर्स कैसे मैनेज करेंगे, इस पर भी क्या कर सकता है, हाईकोर्ट देख रेख करता है, यानी बोल देता है भाई कैसे काम कर रहे हो। तो बेसिकली क्या है कि हाईकोर्ट ही रूल्स बना देता है इस तरीके से, ठीक है, कि कैसे रूल्स बनाने हैं, आपको इसी के अकॉर्डिंग काम करना है, जब आप नहीं अपने मन से कर पा रहे हो तो मैं बता रहा हूँ आपको ऐसे करना है काम। तो ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई। अब क्या है यहाँ पे अच्छे होता है, सेटल टेबल्स ऑफ फीस, यानी कि जो भी फीस रिलेटेड वर्क होता है कि ऑफिसर्स हो गए, जो भी जुडिशियल सर्विसेज से आए, मतलब है ना ड्यूटी कर रहे हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट जजेस हो गए, इन सब से मतलब क्या है कि फीस का लेना देना जो होता है, कितनी फीस होगी प्रोसीडिंग से इनके हाउस की, तुम एकदम ही से रख दो भाई, हाईकोर्ट इतना फीस नहीं रख रहा प्रोसीडिंग का, तुमने कैसे रख ली इतनी ज़्यादा फीस। ये चीज़ समझ में आ गई कि नहीं आ गए, अपनी मनमानी नहीं करने देता हाईकोर्ट किसी लोअर कोर्ट्स को या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को, ये क्या कहता है कि भाई जो हम कहेंगे वही होगा। अब एक चीज याद रखना, जो भी हमारा बच्चों जो मार्शियल ट्रिब्यूनल्स होती है ना, तो मतलब जैसे आर्म वो जो नहीं कहते आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड वाली जो ट्रिब्यूनल्स होती है, जिसमें आर्म्ड फोर्सेस जो कोर्ट मार्शल वगैरह जो होता है, आर्मी पर्सन वगैरह का, तो वो डिफेंस से रिलेटेड वाली जो ट्रिब्यूनल्स होती है उस पर कोई डिसीजन नहीं देता है हमारा हाईकोर्ट, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई, ये पॉइंट आप लोगों को माइंड में रखना है, ठीक है। यानी जो आर्म्ड फोर्स वाली जो जो भी मतलब ट्रिब्यूनल्स होती हैं उस पर क्या है कि बेसिकली हाईकोर्ट हमारा कोई भी डिसीजन नहीं देता है। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई, कोई भी डाउट्स हो उसके रिगार्डिंग तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब बच्चों हम लोग देखेंगे हमारी नेक्स्ट पावर क्या होती है हाईकोर्ट की। तो बच्चों आप लोग देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, यानी कि पावर भी बोल सकते हैं भाई यार, एक फंक्शन भी बोल सकते हैं कि काम करना है इनको ये, और इतनी पावर इनके पास, बस इतना ही कर सकते हैं, इसके आगे नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग क्या पावर्स होती है, तो बेसिकली बच्चों पहला चीज़ क्या आती है, अपॉइंटमेंट होता है, पोस्टिंग होती है और प्रमोशन होता है। कहते हैं अब डिस्ट्रिक्ट जज है उसको और ऊपर भेजना है, है ना, जो तहसीलदार है हो गया सपोज एकदम लोअर में होता है जो तहसीलदार, अब उसको भी क्या है कि प्रमोशन करना है, किस रीज़न के बेसिस पे करना है प्रमोशन, ये सारी चीज़ें, अपॉइंटमेंट जजेस का करना है जुडिशियल सर्विसेज से जो अपॉइंट हुए है ना पर्सनस, तो उनका किस तरीके से अपॉइंटमेंट करना है, किस कोर्ट में, किस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उनको भेजना है ना, तो क्रिमिनल वाले में करना है कि सिविल में करना है, कहाँ कहाँ भेजना है उनको, ये सारी चीज़ें हो गई। पोस्टिंग हो गई कि एक से दूसरे के में ट्रांसफ़र कर दिया इनको, है ना, एक जगह से दूसरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उनको भेज दिया, ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें, ठीक। अब बच्चों पॉइंट ये आता है कि अपॉइंटमेंट वगैरह जो भी है, पोस्टिंग है, प्रमोशन है, वो करता कौन है। तो पहली चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी है कि वो कौन करता है, हमारे गवर्नर करते हैं, ठीक है। ये दिखा बच्चों, गवर्नर करते हैं,
ठीक है, किसकी अपॉइंटमेंट? डिस्ट्रिक्ट जजेस की। ठीक, यानी कि इसकी पोस्टिंग कैसे होती है भाई? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह होती हैं, तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज होता है उनका हेड, तो उनको कैसे अपॉइंट करना है? ठीक है, उनका पोस्टिंग कहाँ करनी, कहाँ उनका ट्रांसफ़र करना है, उनको कब प्रमोशन देना, ये सारी चीज़ें कौन करता है? हमारे गवर्नमेंट, बेसिकली जो गवर्नर है वो करते हैं। ठीक है, जो यानी कि ये मैटर किसके अंदर आता है बच्चों? स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। फिर क्या है? कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट जजेस, यानी कि काम कौन कर रहा है अपॉइंटमेंट का, यहाँ पर पोस्टिंग का, प्रमोशन का? तो गवर्नर कर रहे हैं। ठीक, लेकिन कंसल्टेशन किससे ले रहे हैं, पूछताछ किससे कर रहे हैं? तो बच्चों याद रखना है आप लोगों को, हाई कोर्ट के जजेस से कर रहे हैं। तो यानी कि ये हाई कोर्ट जजेस का फंक्शन होता है, ये कह सकते हैं हम, पावर होती है कि वो क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट जज की अपॉइंटमेंट में जाकर हमारे गवर्नर को बताएंगे। ठीक है, उनको अपना रिव्यू देंगे, मतलब अपना पॉइंट बताएंगे कि हाँ इस बेसिस पर इनको यहाँ अपॉइंट कर दीजिए, इस बेसिस पर इनको यहाँ अपॉइंट मत करिए। तो ये चीज़ क्लियर हो गई, कोई भी डाउट्स हो इसके रिगार्डिंग तो आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट। ठीक है, पर्सन इन जुडिशियल सर्विसेज। अब बच्चों पर्सन से हो गया तो जुडिशियल सर्विसेज में अब अपॉइंटमेंट होती है कि नहीं, उससे निकल्स के आते हैं। ठीक, जुडिशरी वगैरह में किसको कौन सी पोस्ट देनी है, कौन सी नहीं देनी है, अब ये कौन करता है? तो पहली चीज़ बच्चों गवर्नर करते हैं। ठीक, आपको याद होंगे जैसे कि वहाँ प्रेसिडेंट करते थे, ठीक है, पूरे नेशनल लेवल के लिए, उसी तरीके से क्या है यहाँ पर हमारा स्टेट की बात आ रही, तो स्टेट में कौन पावरफुल होता है? हमारा गवर्नर। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि सीएम नहीं करेगा, चीफ मिनिस्टर नहीं करते हैं, ठीक है, नहीं कौन करता है? गवर्नर करते हैं। ठीक, ये चीज आपको माइंड में रखनी है। अब चीज़ क्या है, गवर्नर करते हैं। फिर किससे कंसल्टेशन करते हैं, जैसे कि यहाँ पे किससे? हाई कोर्ट के जजेस से कंसल्टेशन। अब यहाँ पर क्या है कि हाई कोर्ट के जजेस से कंसल्टेशन, फिर एसपीएससी यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन क्या करता है कि एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराता है, तब क्या करते हैं उस एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराया, फिर उसमें जो मतलब जुडिशियल सर्विसेज में जो भी पास हुए बच्चे, ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग उनको कौन कौन सी पोस्ट देनी, किस डिस्ट्रिक्ट का जज बनाना है, कहाँ किसको क्या भेजनी, किसको लोअर पोस्ट देनी है, किस किस सिटी में किसका कहाँ कहाँ करना है ट्रांसफ़र, ये सारी चीज़ें, किसको कहाँ पे पोस्टिंग देनी, किसी को होम टाउन देना है उसका है, उसको नहीं देना है, है ना? तो उसके बेसिस पर ये सब क्या होती है, कंसल्टेशन होती है। तो गवर्नर अपॉइंट करते हैं, कंसल्ट किससे करते हैं बच्चों यहाँ पर? तो क्या होता है यहाँ पर, हाई कोर्ट के जजेस से और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से क्या करते हैं हमारे गवर्नर? कंसल्ट करते हैं, पूछताछ करते हैं, फिर उसके बाद उसका अपॉइंटमेंट करते हैं। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो रही? कोई भी इसके रिगार्डिंग डाउट्स हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट नंबर। अब क्या बच्चों, हाई कोर्ट कंट्रोल ओवर लोअर कोर्ट। अब एक कहते ना, एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा होता है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, हमारे हाई कोर्ट लोअर कोर्ट में क्या कर सकता है, मतलब देख रेख कर सकता है, इस तरीके से कंट्रोल कर सकता है कि भाई तुम एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चला रहे हो भाई, अब नहीं मनमानी करोगे, जो मन होगा उसी को अपॉइंट कर लोगे, जो मन होगा ये प्रोसीडिंग सुनोगे, ये नहीं करोगे, हाँ इस पे केस पर डिसीजन नहीं दोगे, हाँ या इस पे पहले दे रहे हो जबकि ज़रूरत उसकी थी। तो ये चीज़ें क्या होती है कि उसके पूरे एडमिनिस्ट्रेशन पे भी क्या कर सकता है हमारा, कि हाई कोर्ट कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, पूरा नहीं कर सकता, मतलब कुछ कहते नहीं, कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि उनमें कर सकते हैं, और कई जगह क्या हर चीज़ अपने हायरार्की चलती है बच्चों, तो क्या कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पावर उनकी होती है, ठीक है ना? ठीक है, चाहे वो लोअर में चाहे वो अपर में, तो थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा डिवाइडेड होती है। ठीक, ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो, कुछ बाउंडेशन भी होती है एक चीज़ में, जैसे कि हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, तो वो फ्री होता है, ठीक है, ठीक है, वो ह्यूज पावर, उसके पास बहुत सारे फंक्शन है, बहुत सारी पावर, ठीक, लेकिन क्या होता है उसी जगह हाई कोर्ट उसके लोअर होता, सारे की सारे काम पूछ के, मतलब जो भी स्टेट लेवल पर ही वर्क करना है उसको हाई कोर्ट को, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट को कुछ ज्ञान नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो सीनियर है, वो जूनियर, जो कहीं जो सीनियर कहता भाई या जूनियर वही करता है। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई?
ठीक है। अब इसमें जो अगला पॉइंट बच्चों ये समझने वाला जो कहते नहीं होता है वो ये समझना है कि भाई हाई कोर्ट की पावर जो रिट ज्यूरिडिक्शन की होती है वो क्या होती है, थोड़ी सी ज़्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, सुप्रीम कोर्ट के कंपैरिजन में। इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी बच्चों होती है ना, मतलब ये जो लोअर सबॉर्डिनेट कोर्ट ये भी इसमें भी थोड़ी बहुत होती है, बट वो माइन्यूटली होती है, इग्नोर भी करी जा सकती है। ठीक है, तो मैंने जब बोला ना आपको कि मतलब पूरी एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल होता है, तो मतलब कम्प्लीटली होता है इन द ब्रॉडर, बट कुछ पॉइंट्स होंगे जो डिफर होते हैं जिनमें उनकी मर्जी चलेगी, है ना, जो लोअर कोर्ट्स होती है उनकी। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। चलिए अब हम लोग कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। फिर देखो बच्चों क्या होता है कि किस तरीके से कंट्रोल करता है। ठीक, पहली चीज़ तो क्या था, डिस्ट्रिक्ट जज। अब कंट्रोल तो कर रहा है कोर्ट पे, कंट्रोल कर रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे, तो यानी कि बेसिकली किसकी बात करी जा रही है, डिस्ट्रिक्ट जज की बात करी जा रही है। ठीक है, यानी कि जो भी कोर्ट होगा उसकी हेड की ही बात ज्यादातर करी जाती है। ठीक, कि वही तो सारे डिसीजन लोअर वाले सब लेता है कि नहीं लेता है, ठीक, उसी का डिसीजन फाइनल माना जाता है। ये चीज क्लियर हो गई, वही सीनियर जज होता है। फिर उसके बाद क्या आता है, रिकॉल एंड ट्रांसफर। ठीक, जब उनका अपॉइंटमेंट चल रहा हो या डेपोटेशन हो तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो रिकॉल कर सकता है हाई कोर्ट। ठीक है, लोअर कोर्ट्स के जो डिस्ट्रिक्ट जज है उनको रिकॉल मतलब बुला सकता है। फिर क्या कर सकता है, उन्हीं जजेस को क्या अपॉइंटमेंट हो गए, अब उनका ट्रांसफर भी कर सकता है। तो एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ट्रांसफर कर दे रहे हो तुम। तो कौन कर रहा है ट्रांसफर, हाई कोर्ट कर रहा है। किसके मतलब जजेस को कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट जजेस को, यानी कि लोअर कोर्ट्स को, यानी कह सकते हैं सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को। तो एक तरह से जो हमारा हाई कोर्ट है बच्चों वो क्या कर रहा है, हमारे लोअर कोर्ट्स पे बेसिकली कंट्रोल करके रखता है। किस पे, उसके एडमिनिस्ट्रेशन पे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब भाई एडमिनिस्ट्रेशन पे आप कैसे समझेंगे, क्यों देखे बच्चों यार, ये जो भी यार डिस्ट्रिक्ट जजेस अपॉइंट हो रहे हैं, अब वो उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा, उनके यहाँ प्रोसीडिंग्स कैसे चलनी है, कैसे फीस डिसाइड होनी है, कितना वो लेंगे, कौन सा मतलब ऊपर नीचे करेंगे, तो ये सारी चीज़ें क्या है कि वो जज की तो परमिशन से होगा, है कि नहीं, कंसल्ट तो उनसे किया जाएगा अगर उनके कोर्ट में कुछ भी चल रहा है तो। तो क्या आगे एडमिनिस्ट्रेशन ही हो तो संभाल ही तो रहे हैं कि क्या क्या कार कहाँ कहाँ क्या क्या चल रहा है। ठीक, अब उसके बाद क्या आता है, प्रमोशन एंड कन्फर्मेशन इन जुडिशियल सर्विसेज। अब बच्चों क्या है, कोई भी जुडिशियल सर्विसेज में डिस्ट्रिक्ट जज के इन्फीरियर, डिस्ट्रिक्ट जज है ये, इसके इन्फीरियर मतलब क्या था, सुपीरियर मतलब बड़ा, इन्फीरियर मतलब छोटा, तो डिस्ट्रिक्ट जज से जो छोटी पोस्टर्स होंगी उसमें क्या होगा कि हाई कोर्ट क्या करेगा, कंफर्मेशन करेगा कि हाँ इस पर्सन को आप अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक, जुडिशियल सर्विसेज में, जुडिशियल सर्विसेज भाई स्टेट्स में होती हैं। ठीक, तो मतलब नहीं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन वगैरह कराते हैं। ठीक, तो उससे क्या कि अपॉइंट किया जाता है, अब उस पर कन्फर्मेशन कौन देगा भाई। ठीक है, उसके बाद क्या, प्रमोशन कौन करेगा भाई, तो करेंगे तो हमारे डिस्ट्रिक्ट जज ही करेंगे, तो डिस्ट्रिक्ट जज ही, लेकिन कंसल्टेशन किसकी लगेगी, हाई कोर्ट की। ठीक है, कंसल्टेशन किसकी लगेगी बच्चों, हाई कोर्ट की। ये चीज़ क्लियर हो रही है, कोई भी डाउट हो किसी भी टाइप का या कोई टॉपिक ना समझ में आओ, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। आई होप सो इतनी सारी जो चीज़ें हैं आप लोगों की क्लियर हो गई होंगी माइंड में। ठीक है, तो अब जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे कि इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट बेसिकली क्या है, मतलब क्या है कि हाई कोर्ट्स किस पर डिपेंड नहीं है, किन पॉइंट्स पे, मतलब क्या कौन कौन से डिसीजंस हैं जो कि हाई कोर्ट ले सकता है लेजिस्लेटिव की परमिशन लेने की उसको ज़रूरत नहीं, स्टेट लेजिस्लेचर की परमिशन लेने की कोई भी उसको नीड ही नहीं है। अरे अभी हम लोगों ने देखा था कि फंक्शंस वगैरह क्या होते हैं, बेसिकली पावर्स क्या होती हैं, है ना, कि बेसिकली मतलब कौन कौन सी पावर होती है अपॉइंटमेंट्स को लेकर, जैसे कि सेटलमेंट हो गया, जो टेबल्स ऑफ अफीस हो गया, जो शेरिफ हो गए, क्लर्क हो गए, अटर्नी जनरल्स वगैरह हो गए,
है ना, एडवोकेट्स हो गए, उनकी मतलब फीस से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं वो क्या है कि हाई कोर्ट ही हैंडल करता है। तो बेसिकली क्या है कि इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर क्या है कि इंडिपेंडेंस भी है कुछ पॉइंट्स को लेकर, ये भी एक तरह से पावर में आप लोग कंसिडर कर सकते हैं कि उसके पास पावर है, कोई दूसरा आके इंटरफेयर उसके काम में नहीं कर सकता है हाई कोर्ट के काम में। ये चीज़ समझ में आई? तो बेसिकली क्या है इंडिपेंडेंस ऑफ दी हाई कोर्ट हम लोग देखेंगे। अब इसके बच्चों कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि आपको पता है कि इनको क्या है कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर हो गया, पे हो गया एंड अलाउंसेस। पे यानी कि बेसिकली बच्चों जो उनको मंथली सैलरी दी जाती है, ठीक है। टेन्योर यानी कि जितना भी जजेस का जब तक कि 62 ईयर ना हो जाए तब तक उनका क्या है कि टेन्योर चलता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा उनके मैटर में जब तक वो काम करेंगे, ठीक है। फिर उनको पैसे वगैरह मिलेंगे। एक बार अगर वो जज बन गए हाई कोर्ट्स के तो क्या होगा, कभी भी डिसएडवांटेज में टर्न नहीं होगी, उनकी सैलरी हमेशा बढ़ती रहेगी। बस इन केस क्या हो सकता है, जब फाइनेंशियल इमरजेंसी चल रही हो तभी डिक्रीज हो सकती है। तो ये चीज़ समझ में आए, जो अलाउंसेस वगैरह वो बढ़ने ही है बच्चों, कम कभी नहीं होने हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, ठीक। तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर हो गया, फिर पे हो गया एंड मतलब पे बेसिकली सैलरी हो गई जो मंथली उनको मिलती, फिर अलाउंसेस हो गया जो सैलरी के अलावा उनको काफ़ी कुछ मिलता है, आने जाने का है ना, पेट्रोल का मतलब गाड़ी मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें अलाउंसेस जुड़ जाता है। फिर उनका PF, DF, TA, HRA, DRA बहुत कुछ होता है, तो वो सारी चीज़ें क्या हो गई अलाउंसेस में आ जाती हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। इसके लिए क्या है कि वो किसी पे डिपेंड नहीं है, है ना। ये चीज़ें उनकी एक बार अपॉइंटमेंट हो गई तो आपको देना ही पड़ेगा, है ना, जब तक कि वो क्या हो गया खुद रेजिग्नेशन ना दे दें या उनका टेन्योर ना एक्सपायरी हो गया, तब तक क्या है कि जजेस ये फ्री होते हैं, ठीक है, आपको पे करना ही पड़ेगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फुल कंट्रोल ओवर इट्स प्रोसीजर ऑफ वर्क एंड एस्टेब्लिशमेंट। अब बच्चों क्या है कि जो भी हाई कोर्ट में वर्क चल रहा होगा उसके लिए क्या होता है कि हमारा जो हाई कोर्ट है वो लेजिस्लेटिव पे डिपेंड नहीं करता है। लेजिस्लेटिव को जो मैंने एक्ट बनाओ तुम बनाओ जाके, हमसे मतलब नहीं, हमारा जो मन है हम वो करेंगे। कैसा हमारा प्रोसीजर चल रहा है, हम पहले कौन से केस को सुनेंगे, कौन सा केस को नहीं सुनेंगे, हम क्या डिसीजन देंगे, हम फ्री हैं। यानी कौन फ्री है, हाई कोर्ट फ्री है कि उसको अपना काम ऑफिसर से कैसे कराना है, कैसे प्रोसीडिंग को चलाना है, किस केस को पहले सुनना है, किसको बाद में सुनना है। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो उसके लिए क्या होता है कि लेजिस्लेचर पे क्या है कि बेसिकली डिपेंड नहीं होता है, ठीक है। यानी कि बच्चों देख रहे हैं ना, स्टेट लेजिस्लेचर्स पर डिपेंडेंसी नहीं होती है हाई कोर्ट की, ठीक है ना, तो किसी एग्जीक्यूटिव पे डिपेंड होता है। क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग क्या है कि कैन पनिश अ पर्सन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। बच्चों कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बेसिकली क्या है कि मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो, अगर उनको लगेगा मेरी अथॉरिटी को, मेरी पावर को ये कम कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब कम कर रहे हैं, तो मतलब क्या है कि कोई भी आके चिल्लाने लगे तो भाई वो हायर अथॉरिटी है, तो मैं ऐसे कैसे उसको चिल्ला सकते हो उनके सामने, है ना, वो जो कहेंगे वही बात है, तुमने कैसे उनको डिस्टर्ब, उन्होंने जो ऑर्डर दिया तुमने कैसे नहीं फॉलो किया भाई। तो इस तरीके से क्या उनकी अथॉरिटी को लोअर हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा बेसिकली बच्चों कि उस पर्सन को एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के थ्रू क्या कर सकते हैं, पनिश कर सकते हैं पर्सन को, किसी भी पर्सन को। हाई कोर्ट के पास ये पावर होती है, ठीक है। अब लेजिस्लेचर वाले चिल्लाने नहीं जाएंगे, जितने भी मतलब के मंत्री वगैरह परिषद वगैरह वो चिल्लाने नहीं जा सकते हैं हाई कोर्ट में कि भाई कहा है मैं पप्पा को सजा दे दी तुमने, है ना, वो तो बस तो चिल्ला ही तो रहे थे, एक हाथ उठा उन्होंने, तो इस तरीके से नहीं हो सकता है। ये चीज़ क्लियर हो गई ना कि हाई कोर्ट का अगर लगेगा कि हाँ उनकी अथॉरिटी को लोअर कर रहे हैं, उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो आप, उनके जज मतलब जो भी हाई कोर्ट में जजेस होगा उनको लगेगा हाँ हमको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं ये लोग, मेरी इज्जत ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या करेंगे वो सीधे सीधे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के थ्रू उसको पनिश कर देंगे उस पर्सन को। ये चीज़ क्लियर हो गई। इसके लिए हाई कोर्ट क्या है, फ्री है, कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर वाला चिल्ला नहीं सकता, हम पे पूछ ही नहीं सकता सवाल कि काय भाई ये तुमने पनिश कर दिया, हमारा मन तुमने कर दिया,
ये चीज क्लियर हो गई। अब हमारा अगला पॉइंट चलिए बच्चों देखते हैं। बोलो क्या है कि नो डिस्कशन इन द स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द कंडक्ट ऑफ हाई कोर्ट जजेस। अब बेसिकली यहाँ पर क्या है बच्चों, हाई कोर्ट है, अब उसके जजेस हैं, कैसे काम कर रहे हैं, कैसा डिसीजन लेंगे, है ना, इन सब पे क्या है कि स्टेट लेजिस्लेचर में कोई भी डिस्कशन नहीं होगी, है जब से जैसे कि नहीं कि हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया भाई, किसी पे भी दे दिया, राम मंदिर पे पहले नहीं दिया था, तो अब स्टेट लेजिस्लेचर में कोई डिस्कशन नहीं होगी, भाई उन्होंने कहा है ऐसा डिसीजन दे दिया, हमको ये नहीं देना चाहिए था, हाँ ये बहुत कुछ, ठीक है ना, ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गई ना कि मतलब जो भी डिसीजन लेंगे वो लोग, जो भी काम करेंगे अपने तरीके से, मन होगा ज़्यादा देर प्रोसीडिंग, मन होगा कि रात में भी चला लेंगे अपना कोर्ट, मन होगा तो दिन में बंद रखेंगे या दिन में कंटिन्यू करते रहेंगे, है ना, तो ये चीज़ समझ में आ गई कि कैसे उनको करना है जजेस का कंडक्ट, जजेस कैसे काम करना चाहते हैं भाई, जिसका मन होगा काम करेंगे, मन होगा नहीं करेंगे, मन होगा ये पहले सुन लेंगे केस, ये मन होगा तो ये अलग केस पहले सुन लेंगे, या मन नहीं होगा तो दोनों नहीं सुनेंगे, तो उस पर जाके स्टेट लेजिस्लेचर में कोई भी डिस्कशन नहीं होगी, ठीक है, बातचीत नहीं होगी कि उन्होंने कैसे काम कर रहे हैं भाई वहाँ के जजेस, अपनी मनमानी कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई इंटरफेरेंस नहीं होती है स्टेट लेजिस्लेचर की, ये चीज़ क्लियर हो गई माइंड में। अब चलो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा क्या है, प्रोविजन ऑन द प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट फॉर जजेस। यानी कि बच्चों आप लोगों को पता है कि यहाँ पे क्या है कि जो जजेस क्या हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं, तो उसमें क्या है कि बेसिकली प्रोविजन कर दिया जाता है, ठीक है, प्रैक्टिस पे आफ्टर रिटायरमेंट, तो क्या है कि रिटायरमेंट के बाद क्या होते हैं प्रोविजन, यानी कि क्या होता है ना, प्रोबिट कर दिया जाता है, बैन कर दिया जाता है, प्रैक्टिस नहीं कर सकते, बस क्या कर सकते हैं ये लोग कि बेसिकली इनको क्या है कि प्रमोट कर दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जाके बन सकते हैं। अब एक हाई कोर्ट में जज हो, अब तुम चाहते हो तुम्हारी रिटायरमेंट ख़त्म हो गई, फिर तुम चाहते हो कि नहीं दोबारा यहीं पर हाई कोर्ट का जज बन के रहेंगे, तो ऐसा नहीं होता, जहाँ पर कभी भी उन्होंने किसी हाई कोर्ट में काम ना किया वहाँ उनका ट्रांसफ़र कर दिया जा सकता है, ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। और क्या कर सकते हैं, इनको हाँ सुप्रीम कोर्ट में जाके जज बन सकते हैं, क्योंकि वहाँ 65 ईयर एज होती है मैक्सिमम, यहाँ पे तो हाई कोर्ट में क्या होती है 62 ईयर होती है, तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर है, उसके बाद इनकी प्रैक्टिस बैन हो जाती है, उसी हाई कोर्ट में काम नहीं कर सकते, लेकिन फ्री तो होते हैं भाई कि बैन हो गया, अब उसके बाद भी मजा मन होगा, हम सुप्रीम कोर्ट के जज जाके बन जाएंगे, फ्री तो हैं हम, तुम कितना भी प्रोविड कर दो हमको, एक कोर्ट में नहीं काम करने दो, क्या हुआ जहाँ पे हमने नहीं किया दूसरे स्टेट में जाके हम काम कर सकते हैं, तब तक ये हमारी एज है। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई, कोई भी डाउट्स हो इसके रिगार्डिंग तो आप लोग पूछ लेगा। अब बच्चों क्या था बेसिकली जो हम लोग हाईकोर्ट वाला पॉइंट पढ़ रहे थे जो चैप्टर, वो हम लोगों का कवर हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। आई होप सो आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया, प्लीज़ हमारे चैनल अकेडमी लेंस को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।